हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा आईफोन डिवाइस है तो आईफोन डिवाइस की फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में मोबाइल डाटा प्रॉब्लम है, तो वॉइस डाटा प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं आईफोन डिवाइस में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो फ़ोन के आइकन्स हैं इस तरीके से शो हो रहे हैं, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है। क्लिक करते ही फ़ोन सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाती है। तो जो हमारे फ़ोन में मोबाइल डाटा प्रॉब्लम है, तो मोबाइल डाटा प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस पे जाना है जनरल सेटिंग पे। क्लिक करते ही हमारी फ़ोन की जनरल सेटिंग्स तरीके से ओपन हो जाएगी। तो इसमें आपको क्लिक कर देना है इस वाले ऑप्शन पे। क्लिक करते ही हमारा रीसेट ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको इस पे क्लिक कर देना है। और जो भी हमारा मोबाइल डाटा है इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पर क्लिक करेंगे, और जो भी मोबाइल डाटा सेटिंग है उसको यहाँ से हम रीसेट कर देंगे। रीसेट करते ही मोबाइल डाटा प्रॉब्लम हमारे फ़ोन में सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको यहाँ से रीसेट कर दिया है। तो इस तरीके से हम मोबाइल डाटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और साथ में जैसे आप इसको बैक करते हैं, जैसे हमारे पास आपको मतलब रीसेट ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस पर जाएंगे, आपको रीसेट इस पर सर्च कर देना है। सर्च करते ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास रीसेट सेटिंग शो हो जाएगी। शो होते ही आप इसके ये ऑप्शन आ चुके हैं, हमारे पास टू ऑप्शन आ रहे हैं, इरेज ऑल कॉन्टैक्ट एंड रीसेट। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही ऑप्शन आ जाएगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करते ही जो भी आपका मोबाइल डाटा होता है उसको आप यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मोबाइल डाटा सेटिंग को रीसेट कर सकते हैं। और साथ में हमारे पास और ऑप्शन भी आते हैं, ऑल सेटिंग या कीबोर्ड डिक्शनरी, होम स्क्रीन एंड लोकेशन सेटिंग वगैरह को रीसेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मोबाइल डाटा सेटिंग को रीसेट करके मोबाइल डाटा प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं आईफोन डिवाइस में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।